50 सीट मिनिमम कांग्रेस को चाहिए और इससे कम हम लोग नहीं लड़ने की इच्छा रखते हैं, चूंकि लेकिन जब सीटों का तालमेल हो जाएगा तो उसी सीटों पर हम लोग जो जिसके हिस्से में होगा वहां हम लोग नामांकन करेंगे। बिहार में 24 सीटों पर निकाय चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर राष्ट्रीय जनता दल ने पूरी तैयारी कर रखी है। लगातार जो नेता है राबड़ी आवास पहुंच रहे। कांग्रेस पार्टी का भी कहना है कि हम इस स्थानीय निकाय के चुनाव में आरजेडी के साथ जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस के एमएलसी है समीर सिंह, उनका कहना है कि बिहार के उपचुनाव के बाद लालू यादव ने सोनिया गांधी से बात की थी और उसके बाद लालू यादव का कहना था कि आने वाले निकाय चुनावों में कांग्रेस की जो भागीदारी है वो महागठबंधन के साथ रहेगी और लगभग 7 सीटों पर कांग्रेस अपने उम्मीदवार उतारेगी। ये कहना है कांग्रेस के एमएलसी समीर सिंह का। जिस तरीके से उपचुनाव में देखा गया था कि आरजेडी और कांग्रेस अलग अलग हो गई थी, लेकिन इस बार फिर से एमएलसी चुनाव में ये दोनों पार्टियां साथ आ सकती है और 7 सीटों की मांग कांग्रेस ने कर दी है 24 में से। हालांकि बड़ा बयान एक ये भी है कांग्रेस एमएलसी समीर सिंह का, इसमें कुछ सीटें जो है वो चिराग पासवान की पार्टी को भी जा सकती है, क्योंकि चिराग पासवान लगातार ये इशारा दे रहे हैं कि एमएलसी का जो चुनाव होने वाला है उसमें वो अपने उम्मीदवार महागठबंधन के साथ मिलकर उतार सकते हैं। इस मामले पर कांग्रेस एमएलसी समीर सिंह ने क्या कुछ कहा है, सुनिए आप। 24 सीटों पर निकाय चुनाव होने वाली है बिहार में, आरजेडी के साथ आप लोगों का गठबंधन टूट गया था उपचुनाव में, क्या लगता है इस बार आप लोग किस तरीके से जाइएगा चुनाव में, साथ में जाइएगा अकेले जाइएगा, क्या पार्टी का निर्णय हुआ है? देखिए, उपचुनाव के बाद राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष माननीय लालू प्रसाद जी ने स्पष्ट रूप से यह बयान दिया था कि कांग्रेस हाईकमान से मेरी बातचीत हो गई है और विधान परिषद के चुनाव में हम कांग्रेस को भी सीट देंगे और अपने कोटे से हम चिराग पासवान को भी सीट देंगे और महागठबंधन में ही हम लोग चुनाव लड़ेंगे। ऐसी परिस्थिति में जब लालू जी का इस तरह का बयान आता है तो फिलहाल हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने डॉक्टर मदन मोहन झा जी ने राष्ट्रीय जनता दल को 7 सीटों कम से कम 7 सीटों पर लड़ने का संकेत दिया है और अभी तक राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से इस पर कोई जवाब नहीं मिला है। अभी तक हम लोगों ने बैठ करके कोई तय तमन्ना नहीं किया है। ये लोग अभी प्रचार कर रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल एक तरफा उम्मीदवार दे रही है, तो हम इस संदर्भ में आपको कहना चाहते हैं कि कोई भी दल अपने संभावित उम्मीदवार को ये संकेत दे सकती है कि जाके तुम चुनावी तैयारी करो। हम लोग भी अपने संभावित उम्मीदवार को जो लड़ने के लायक मजबूत हैं उसको संकेत दे रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब सीटों का तालमेल हो जाएगा तो उसी सीटों पर हम लोग जो जिसके हिस्से में होगा वहां हम लोग नामांकन करेंगे। कितने सीटों की आप लोग उम्मीद कर रहे हैं इस बार? नहीं, हम लोग तो जो लालू जी ने कहा था वो 7 सीट पर ही हम बात कर रहे हैं। तो 7 सीट कांग्रेस को चाहिए? 7 सीट मिनिमम कांग्रेस को चाहिए जी। और इससे कम हम लोग नहीं लड़ने की इच्छा रखते हैं, क्योंकि 7 सीट पर हमारे पास जीतने लायक उम्मीदवार है, ऐसे 10 से 11 सीट पर हमारा बहुत मजबूत उम्मीदवार है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन गठबंधन को कायम रखने के लिए अगर हाईकमांड का निर्देश होता है तो वैसी परिस्थिति में हम हाईकमांड की भावनाओं के अनुरूप 7 सीट पर लड़ने पर भी सहमति बना सकते हैं।